हाँ, इस तरह से। वाह, क्या शेड बना रहे हो आप। आप ऐसे तारीफ करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं गलत बना रही हूँ, इसलिए आप बोलते हैं अरे, इसको। तारीफ करना बुराई है क्या किसी की? नहीं, तारीफ करना अच्छी बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू अ प्रिया राजगुप्ता व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर से मैं आ गई हूँ नई ट्रेनिंग के साथ और नई क्लास में। तो आज कुछ नया बनाएंगे और सर जी भी कुछ अच्छे मूड में बैठे हुए हैं आज। तो कुछ ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ज़्यादा हैवी मत बताइए, हम लोग नहीं बना पाते हैं इस देखो, वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है ना, इसलिए की गई है ताकि जिनको बहुत सिंपल और इजी सीखना है कम समय में, वो आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास में आज हम कुछ नया देंगे और सिंपल देंगे, जो कि सभी, मेरे ख्याल से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना, जिनको मेहंदी कोन पकड़नी भी नहीं आती है, अगर वो लोग दिल से आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो बनाना सीख जाएंगे। तो हम लोग गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, तो बने रहिए, देखते रहिए क्लासेस। तो गाइस मेरा पैटर्न क्लीन हो गया है और कोन भी रेडी है, तो गुरु जी को नमस्कार। कल से गया था ना, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, क्योंकि इसलिए बोल रही ना कि हमेशा मतलब गुरु जी के, मतलब जब गुरु जी से हम लोग ज्ञान लेते हैं तो पहले पैर छूते, इसलिए प्रणाम। हाँ, खुश रहो खुश रहो और अच्छे से मेहनत करो। यहाँ पर आप बनाओ आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन देते हैं। मतलब देखो सिंपल सा डिजाइन है। किसी ने मान लो आपको पकड़ लिया कि हाँ बेटा मेरे मेहंदी लगा दे, अच्छा। आपको आती नहीं है, ठीक हाँ है, या आपको आती है तो आप कुछ अच्छा सीखोगे, नहीं आती है तो किसी ने बोला कि मेरी मेहंदी लगाओ, अब आपको डिजाइन क्या समझ में आएंगे कि मैं क्या लगाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले ना सिंपल सी बात है, अगर किसी की लगाओगे, को बेटा बोल रहा है तो आपसे बड़ा है एज में, ठीक है, तो उसको ट्रेडिशनल मेहंदी पसंद आती है, ट्रेडिशनल मतलब भरा हुआ, ठीक है, तो आप भरा मत, इतना मत भर देना, आप डिजाइन वो लगाना जो कि उनको अच्छा लगे। तो सिंपली आप यहाँ आउटलाइन बनाओ, दो आउटलाइन, और उसके ऊपर दो आप स्मॉल सर्कल। ओके, पहले को उनको क्लीन कर लेते हैं। मैंने कल सिखाया था, परसों भी सिखाया, कॉन्फिडेंट लाइन दो। थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा इधर कर लूँ, इसको पैटर्न बोलते हैं, सॉरी यू नो। पैटर्न, सॉरी पैटर्न इधर कर लूँ क्योंकि वो मेरा पोजीशन नहीं बैठ रहा है। ठीक है गाइस, सोचो संडे के दिन हम आपके साथ हैं और सॉरी ये देखो मैडम को देखो, आपका कॉन्सेंट्रेट कहाँ है? नहीं, आज मुझे अब घुमाने नहीं ले घुमाने लेके नहीं गए? क्लास दो बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा यूट्यूब परिवार तुम्हारा परिवार है। नहीं, आपने रील में डाला है ना अच्छा बीबी मिली है इतनी सुंदर। अभी रुक जाओ, स्टॉप। मैं नीचे जाऊं, नहीं मैं को अपने घर जाऊं, तुम आना आराम से, क्या बदतमीजी है, बनाओ जल्दी। अब आराम से। हाँ, कंसंट्रेट। हमारी दो लाइफ होती है, पर्सनल एक होती है प्रोफेशनल। तो अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना अच्छे बच्चों की तरह, हाँ, तो भूल जाओ सारी घर की बातें, ये हो गया, ठीक है, गुड। अभी स्मॉल सर्कल दो। पहले दो बार दे दूँ आउटलाइन। वेरी नाइस। ये आपकी आउटलाइन मिक्स क्यों हो रही है? इसको बोल्ड करना है ना। अच्छा, बोल्ड करना, तो बोल्ड कर दो। ये हो गया बोल्ड। आगे अब अब इसके ऊपर इसको, बनाओ स्मॉल सर्कल। इसके ऊपर ही बनाओ। हाँ जी, वाह, तुम्हारे स्मॉल सर्कल में क्या फिनिशिंग आई है, गलत बना है। अच्छे बना रहे हो, वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जीवन का सबसे बड़ा सुख है मुस्कुराते रहो, वेरी नाइस। ठीक अच्छा, वेट 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 वेट, क्या करोगे अब? देखो हम इजी डिजाइन दे रहे हैं, टफ डिजाइन नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ ना एक बड़ा सा राउंड सर्कल दो, ठीक है, जिसके ऊपर ना सुंदर से एक अच्छे लुक में ना हार्ट से फ्लावर दो, ठीक ठीक है, मतलब खिलते हुए। अब क्या बोलते, बहुत से लोग, बहुत से मतलब कमेंट्स कहते हैं कि मुझे आता नहीं है ऐसे राउंड, तो मैं डॉट डॉट देके बनाऊँ कि डायरेक्ट बनाऊँ? कौन बोलता है सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं कि नहीं आता है, ये, सिखा मतलब दो। हाँ तो फिर डॉट डॉट देके भी बना सकती हूँ, हाँ वैसे ही बना सकती हूँ। ठीक है गाइस, देखो देखो मेहनत आपके लिए कितनी हो रही है, एक्स्ट्रा एडवांस मेहनत हो रही है।
बेसिक रिप्लाई ना कर दे, पढ़ती सबको मैं डेली पढ़ती। नहीं रिप्लाई किया करो, टाइम मिले रिप्लाई जरूर किया करो, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी बिजी रहती है, बट फिर भी मैं बेशक 12 बज रहे हूँ, रात के 1 बज रहे हूँ, मैं शूट जरूर करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप को जब टाइम मिला करे आप रिप्लाई जरूर किया करो। नहीं मेरे बेटा बहुत खतरनाक है, ठीक है गुड। अब आप बनाओ इसके ऊपर स्मॉल सर्कल, एक बार दो बार बनाना है इसपे, थोड़े ना लंबे बनाना है स्मॉल सर्कल, लंबे लंबे। हाँ जी हाँ जी, और हार्ट से फ्लावर का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे बनेंगे, दिखाओ थोड़े खिलते हुए झूमते हुए इस तरह से टच करना है, पुश करना है, ये बनाया बड़े। तभी तो अच्छा मतलब ये फेस में इसका जो लुक है ना ये खतरनाक लगेगा। ओके गाइस बस आप ये बनाने सीख लो, ठीक है, जिनको बनाने नहीं आते हैं ना अच्छा वो ये बनाने सीख लो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से ना एक बड़ी सी आम भी बना दो, ठीक है, तो कितना सिंपल डिज़ाइन है, ये आम भी बना दो, ये दे दो आउटलाइन, आपकी आंटी हो जाएगी खुश जब से लगवाने आई हैं या जिनकी भी लगा रहे हो। ज़्यादा हो तो लेयर के लेयर दे दे इसे। हाँ एक लेयर दे दो है ना, फिर एक लेयर बना दो, आंटी डबल खुश, आंटी डबल खुश, ठीक है, कि वाह बेटा क्या मेहंदी लगाई है, गुड। अब इसके ऊपर बड़े से स्मॉल सर्कल देना, इसके ऊपर ना, हाँ वो तो पता ही होगा, आउटलाइन के ऊपर देते हैं स्मॉल सर्कल। हाँ अब इसके अंदर आप फिलिंग करो, फिलिंग क्या करोगे, सबसे इजी फिलिंग क्या होती है, स्मॉल सर्कल दे के चारों तरफ फिर राउंड सर्कल बीच में दे दो, सबसे नहीं टफ होती है वो, टफ है ये स्मॉल सर्कल, मान लो किसी को बनाने नहीं आते हैं तो फिर वो आते हैं डॉट दे के दो लाइन, आप स्मॉल सर्कल पहले दे दो, इसके अंदर आप चेक बनाइए डॉट वाला आप, ठीक है, इसके अंदर या जिगजैग वाला दे सकते हो, नहीं डॉट वाला दे दिया, जिगजैग वाला देना क्योंकि डॉट वाला ना लोग भूल जाते हैं, नहीं मैं मतलब सिंपल दूंगी ना प्लस वाला, नहीं नहीं आप जिगजैग वाला दो क्या कह रहे हो, नहीं आता है, नहीं आता है आता है बट वो डॉट वाला मेरा पसंद है, जिगजैग वाला आपको पसंद है, ठीक है। ये क्या बना रहे हो, स्मॉल सर्कल, हाँ ठीक है, अच्छे नहीं बन रहे, अच्छे बन रहे हैं, ट्रॉफी लेके आऊँ, नहीं फिर ठीक है, इतने दिन से ट्रेनिंग ले रही हूँ तो अच्छे तो बन जाएंगे। गाइस सोचो मैम ने एक एक्ट किया था एक अनट्रेंड बच्चे का, मतलब एक एक, एक जो बिगनर्स होते हैं ना उनकी तरह, और मैं इनको अगर आप मेरी ट्रेनिंग को मतलब मैम की ट्रेनिंग को अगर आप कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं डे वन से तो आपको दिख जाएगा कि इन्होंने डांट कितनी खाई है एक्चुअल, मतलब सारा वो एक्ट रियल था, ठीक है, लेकिन वो एक सर एक वो बस एक एक एक्ट था ताकि वो चीज़ आपको एक्चुअल लगे, और उस अकॉर्डिंग मैम के हाथ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, मतलब अगर इस तरह से आप भी ट्रेनिंग को अटेंड करोगे ना तो आपके हाथ में भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो क्या बनाओ, चेक बनाओ, चेक बनाओ, और उसके बाद ना देखो कितने हो रहे हैं, 6:27, 8 अक्टूबर है, ठीक है, आज मेरे लिए बढ़िया चाय बनाना, बित 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 शाम का नाश्ता पकौड़े, भूख लग रही है यार, सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं अपना सूट किया फिर आपका सूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आउटलाइन, अगेन आउटलाइन, वेरी नाइस गाइस, इसी फिनिशिंग से आप भी बनाए करें, वेरी नाइस। अच्छा एक बार बताओ ये लाइन देने की क्या जरूरत थी, कौन सी साइड लास्ट वाली, हाँ ज्यादा गैप बंद हो जाता, कोई बात नहीं, अब प्लस लाइन दो गाइस, बहुत अच्छा डिजाइन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल डिजाइन है, और आने वाला डिजाइन ना बहुत सिंपल है आगे, पूरा बहुत इजी भी है, थोड़ा फास्ट बनाओ, ये करवा चौथ पे ज्यादा काम आएगा, तो गाइस थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर डॉट डालो, इस तरह से पूरे में डॉट्स आएंगे, तो फटाफट से हम डॉट दे देते हैं, अब इसके ऊपर बनाइए स्मॉल सर्कल, ठीक है गाइस, कितना मस्त लग रहा है, चेक किए,
अब यहाँ बनाइए स्मॉल सर्कल, थोड़ा फास्ट बनाइए, फास्ट कर देना, ऊपर से नीचे लेके आओ, अब इसके ऊपर ड्रॉप से ना। अब बनाना क्या है, देखो जो कोई इजीली बना सके, ठीक है, सिंपली क्या बनाओगे आप, यहाँ बना दो ड्रॉप्स, कौन सा जो नॉर्मल जो बनते हैं गाइस, जैसे हमने डॉट बनाया ना, बस वैसे ही डॉट देके नीचे लेयर दे देनी है, ठीक है, लाइन से दो पूरे में फटाफट से ऐसे जाएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है, मेहंदी उतनी पुश किया करो ताकि जब नीचे टच करो ना तो उसकी कर्व आ सके, कर्व समझते हो, कर्व वो नोक नोक से निकलती है। हाँ बस ऐसे, हाँ ये परफेक्ट था, उतनी ही मेहंदी पुश करनी है। हाँ एक एक ड्रॉप को अच्छे से बनाओ, ठीक है ठीक है, थोड़े बड़े बनाओ, ठीक है बड़े बनाओ ऊपर के अकॉर्डिंग, ऐसे घुमा दो पूरा, घुमा दो कैसे ऐसे छोड़ दो, इतना ठीक है, नहीं यहाँ पे एक आ जाएगा, बना दो फिर ठीक है, गुड। अब इसके अंदर आएंगे सेड, सेड के लिए आप दूसरी कौन यूज करो, ये नहीं क्योंकि पैटर्न है, पैटर्न पे अगर आप एक ही कोन को यूज करोगे तो खराब हो जाएगा, वैसे ही शेड देना। हाँ ऊपर से और नीचे डॉट दे देना, ठीक है, हाफ हाफ देनी है। ये देखो ये ना ये बड़ा हार्ट से फ्लावर है तो थोड़ी शेड बड़ी बनाओ, आप इसको दो पार्ट में बांट देना, दो पार्ट में करूंगी ना। हाँ इस तरह से, वाह क्या शेड बना रहे हो आप, आप ऐसे तारीफ करते हैं ऐसा लगता है कि मैं गलत बना रही, इसलिए आप बोलते हैं। अरे तारीफ करना बुराई है क्या किसी की, नहीं तारीफ करना अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट। इसी तरह से बनेगा प्यार से, ठीक है गुड। दो पार्ट में बांटो गाइस, अगर ये बड़ा हो हार्ट से फ्लावर तो आप इसको इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वेरी नाइस। इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, अभी बनाओ डॉट, गुड। अब इसके नीचे बनाओ आउटलाइन, इसके नीचे आउटलाइन, इसके नीचे आउटलाइन दे दिया। अब एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स भी दे दिया, ठीक है बंद करूं, एक आउटलाइन दो, इसको क्लोज कर दो, अपोजिट भी, इसके अंदर बनाओ स्मॉल सर्कल चारों तरफ, चारों तरफ फास्ट कर दो। तो गाइस इस तरह से बनाना है, अब करना क्या है ध्यान से देखना, जैसे आपने चेक दिए थे ना इसी तरह से ना क्रॉस चेक देना है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं फिर आप बाकी क्या बनाना, ठीक है, इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ करें, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से एक एक लाइन को आप ड्रॉ करना है और कोन को जरूर क्लीन करना है, ठीक है। अब ये लाइन भी आप एकदम स्ट्रेट बनाएं, कुछ इस तरह से, ये भी इस तरह से, ठीक है,
ये भी इस तरह से सबसे इजी और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चेक है, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरह से कोई बना लेगा। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी क्योंकि मेरी पोजीशन गलत है। अब इसके बीच में ना बड़ा सा डॉट देना है, कुछ ऐसे, बस ये लाइन में टच नहीं होनी चाहिए। बनाओ गाइस, ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बहुत सिंपल पैटर्न है, ठीक है। थोड़े बड़े देना ड्रॉट, बस लाइन में आपस में ये टच ना हो। इतने बड़े, ठीक है। गुड, ठीक है। ठीक है, गुड, ठीक है। समझदार हो आप। यहाँ बनाओ, कहाँ पे, जहाँ जगह दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ नीचे बनाओ, यहाँ, ठीक है। अब आउटलाइन दो। अब आउटलाइन, बोल्ड करने वाला कि ऐसी, एक बोल्ड करने वाली दे दो, इनको बोल्ड कर दो। ये बोल्ड हो गया। आउटलाइन दो, एक और दो। ठीक है, अब इतना पैटर्न यहीं स्टॉप करो, ठीक है, क्योंकि तो आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। बहुत सुंदर पैटर्न है गाइस, ठीक है। और इसको हम ट्रेडिशनल में ही कन्वर्ट करेंगे। इस ट्रेनिंग का वेट करना, इसका पार्ट टू आएगा कल। तो गाइस, आज का आप लोग का डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, डिजाइन बहुत सुंदर है तो लाइक जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। ये करवा चौथ के पर्पस से ही सारा डिजाइन आज मतलब सिखाया जाएगा, जो सर के चैनल पे भी आ रहा है, जो मेरे चैनल पे भी आ रहा है, वो सारा करवा चौथ के पर्पस से है। तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सॉरी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना है आपका अपना ओपिनियन, अपनी राय की डिजाइन आपको एक्चुअल में कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में, बाय बाय। बाय।